सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। मनुष्य के जीवन में बुराई के प्रवेश करने के दो साधन हैं। कितने? पहला आंख और दूसरा, यदि आप आंखों से गलत दृश्य देखोगे तो आपके मन में ऑटोमेटिक गलत विचार आएंगे। यदि आप अपने कानों से गलत बात सुनोगे तो आपके मन में ऑटोमेटिक गलत विचार, बुरे विचार आएंगे। इसलिए इन दो वस्तुओं का प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। शौभरी ऋषि तपस्या कर रहे थे जल के भीतर, पानी के भीतर, तो उन्होंने क्या देखा, एक मछली को देखा जिसकी कम से कम महाराज सैकड़ों पत्नियां थीं, हजारों बच्चे थे, और उनके साथ वो जल में विहार कर रहा था। तो शौभरी ने देखा, हम यहां साधुओं की तरह तपस्या कर रहे, हमसे सुखी तो ये मछली है। देखो इतने बड़े महात्मा, इतने बड़े संत, उनके मन में हमसे तो सुखी ये मछली है। कितना बड़ा परिवार, नाती पोते, बेटा पत्नी, सब सेवा करने वाले, और हम कहां यहां अकेले हैं। मन में उन्होंने सोचा कि अब हम भी शादी करेंगे, पर अब बूढ़े बाबा से शादी कौन करेगा, बोलो कोई करेगा? तो वो गए कहां, राजा के पास पहुंचे। अब राजा ने संत का बड़ा सम्मान करे, आइए आइए पधारिए महाराज, स्वागत है। शौभरी जी ने कहा, देखो महाराज, अब हमने तपस्या तो सैकड़ों हजारों साल की कर ली, अब हमें गृहस्थ में जाने का मन कर रहा है, इसलिए हमें शादी करनी है। हमने सुना है तुम्हारे यहाँ तो बहुत सारी तुम्हारी बेटियां हैं, 50-50 बेटियां हैं, एकाध की हमारे साथ शादी कर दो, क्या प्रॉब्लम है? जिसकी 50 बेटी हो तो एक की तो कर ही सकता है। अब एक बात बताओ, चाहे किसी के एक हो, चाहे 10 हो, 50 हो, चाहे 1000 हो, लेकिन हर माँ बाप को अपनी बेटी प्यारी होती है, हर माँ बाप को अपनी पुत्री लाडली होती है। महाराज ने सोचा, मुझे किसी काले कुत्ते ने तो नहीं काटा है। राजा ने सोचा, ये बाबा के खुद का खाने का ठिकाना नहीं, मेरी बेटी इसके साथ रहेगी तो भूखों मर जाएगी। लेकिन हम महाराज को डायरेक्ट मना करेंगे कि बाबा जी नहीं कर सकते तो ऋषि हैं, श्राप दे देंगे, तो डर भी लग रहा है और मना भी नहीं कर पा रहे हैं, तो करें क्या? तो श्री राजा ने कहा, महाराज एक काम करो, आप कह रहे हैं बिल्कुल मैं तैयार हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक काम करो, आप मेरे राजमहल में रनिवास में प्रवेश कर जाओ, जाओ, और जो मेरी बेटी आपको पसंद कर लेगी उसी के साथ मैं आपका विवाह कर दूं। राजा को लगा, इस बाबा से कौन ब्याह करेगा। ऋषि समझ गए, शौभरी जान गए कि राजा लगता है नहीं करना चाहते विवाह। तो वो क्या किए, तपस्या किए भगवान की, सूर्य नारायण की तपस्या करके महाराज ऐसा रूप प्राप्त किया, ऐसा महाराज भगवान का ही स्वरूप प्राप्त कर लिया कि जब ऋषि शौभरी महल में प्रवेश किए तो 50 महाराज राजकुमारियां आपस में ही झगड़ने लगी कि नहीं हम ब्याह करेंगे, वो कह रही हम ब्याह करें। बात राजा के पास तक पहुंची तो कथा कहती है अंत में ऋषि का 50 के साथ विवाह। शास्त्र में वर्णन आता है, भागवत जी कहती है कि हजारों वर्ष तक महाराज संसार के विषयों में शौभरी लगे रहे, हजारों साल तक, पुत्र पौत्र से हर तरह से। जब हजारों वर्ष बीत गए तब एक दिन उनके भीतर ज्ञान का चक्षु खुल गया। आज महाराज माथा पीट पीट करके रोना शुरू कर दिया, हाय ये मैंने क्या कर दिया। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, ये शरीर मिला मानव देह मिली क्यों, भजन हो सके, तपस्या हो सके, और हम कहां ये सांसारिक विषयों में लग गए।
जहाँ कोई रस नहीं है। बाहर से ये दुनिया बहुत सुंदर दिखती है, लेकिन जब भीतर जाओ तो महाराज गृहस्थियों को देखो, घर के हजार झमेले में पड़ा हुआ है। 80 साल की डोकरी हो गई है, वो भी आगे थी, महाराज कृपा करो, काय की महाराज, एक पोता है वहां को भी ब्याह है जाए, पोते की बड़ी चिंता है। मैंने की मैया तेरा काम था, बेटा बेटी को निपटा दिया, अब क्यों चिंता महाराज, मेरा पोता बहुत अच्छा है। बहु भले ही एक बार थाली में भोजन ना दे, लेकिन पोता पोती सबसे पहले। एक महाराज सेठ जी थे, उन्होंने कहा महाराज मुझे वैराग्य आ गया। बोले तो अच्छी बात है, जाओ जंगल उंगल। बोले वैराग्य आया है, बाबा बनने का प्लानिंग है, पर बन क्यों रहे हो बाबा? बोले महाराज मेरे बेटे के बेटा हो गया है, और अब जब से वो बोलने लग गया है ना बाबा बाबा, तो मन में लगता है देखो छोटा से बच्चा भी बाबा कह रहा है, छोटा से बच्चा भी हमको बाबा कह रहा है। इस शुद्ध तोतली बोली पे अब तो शर्माओ, पोता कहने लागे बाबा, अब बाबा ही बन जाओ। अब महाराज हमने प्लानिंग कर ले के हम भी महात्मा बनेंगे, बाबा बनेंगे। तो बोले पूछा भाई प्रॉब्लम फिर क्या है, बनो। बोले महाराज प्लानिंग तो थी बाबा बनने की, लेकिन अभी कुछ दिनों बाद मेरे बेटी के भी एक बेटा हो गया है, और जब मैं उसके पास गया मिलने तो वो कहता है ना ना अभी नहीं, ना ना, तो प्लान चेंज हो गया। तो ऐसे महाराज गृहस्थी है, इसलिए ये जीवन मिला है तो ये जीवन को केवल संसार के विषय भोगों में मत लगाओ, इस शरीर को पाकर तप करो। भगवान एक बार सबको जागृत करते हैं, भैया ये सब कुछ झूठा है, वैराग्य सबको जागृत होता, रोज हमारे भीतर वैराग्य जागृत होता है, पर हम पहचान नहीं पा रहे। आप देखो जरा, जब व्यक्ति को भूख लगती है तो क्या करता है, बोलो, जब भूख लगती है ना महाराज, तो एक बार कहेगा लाओ श्रीमती जी, जो भी हो, पत्नी ने ध्यान नहीं दिया तो 10-15 मिनट बाद फिर कहेगा लाओ भाई बड़ी देर हो रही है ऑफिस जाना है, पत्नी फिर भी नहीं सुनी तो तीसरी बार, थोड़ी और जोर से, अरे भाई सुनाई नहीं दे रहा क्या, जाना है। महाराज कहते कहते दोपहर हो गई, सुबह से कुछ आया नहीं, अब तो महाराज पारा चढ़ गया, कहाँ हो, भूख के मारे प्राण निकले जा रहे, मुझे कुछ दो खाने को, भोजन चाहिए। महाराज शाम हो गई, बोलो पागल हो जाएगा आदमी कि नहीं, चिल्लाना शुरू कर देगा महाराज। कई लोग तो महाराज घर के सामान इधर उधर फेंकना शुरू कर देते हैं, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा, भूख लगी है मुझे, कुछ खाने को दो, कुछ खाने को दो। पत्नी ने कहा अरे क्यों चिल्ला रहे हो, लो बहुत भूख लगी, आज मैं तुम्हें पेट भर के जितना खाना हो खाओ, और ले करके महाराज टोकरी भर रोटी पूरी सब्जी सब धर दिया। पति ने महाराज 2-4 रोटियां 5 रोटी खाई, ज्यादा भूख थी तो चलो समझो 7-8 रोटी खा ली। बस फिर पत्नी ने कहा और खाओ, अब सेठ जी ने कहा अब नहीं, क्यों, अरे इतनी जोर से भूख लगी है तो, बोले नहीं नहीं अब नहीं, अरे अभी तो चिल्ला रहे थे प्राण निकल जाएंगे मेरे और खाओ, बोले अब नहीं, क्यों, अरे ये लो रसमलाई लेके आओ इसे तो खा लो, नहीं 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 अब नहीं खाया होगा। महाराज मन नहीं करता है, क्यों, क्योंकि अब वैराग्य हो गया,
थोड़ी देर पहले जिस रोटी के लिए भोजन के लिए हम मरे जा रहे थे, अब वही भोजन की थाल हमारे सामने पड़ी है, पर हमारा उधर देखने का भी मन नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि अब हमें उसी भोजन से वैराग्य हो गया है। भगवान उस वैराग्य की चटनी को थोड़ा थोड़ा रोज चटाते हैं दवाई के रूप में, कि तुम भी टेस्ट ले लो। ऐसी ये दुनिया है।